नमस्कार, बहुत स्वागत है। आयुष्मान भव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आपका एस्टो फ्रेंड संतोष संतोषी। आज का दिन आपके लिए कितना खास है ना। आज आपका हैप्पी बर्थडे है, दिनांक 19 अप्रैल, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। मित्रों, आज आपको हम बता देंगे पूरा वर्ष आपका कैसा बीतेगा, और आज अगर किसी की शादी की सालगिरह है तो उसके लिए एक उपाय हम बताएंगे, एक एक्सपेरिमेंट, एक रेमेडी बताएंगे। उससे क्या होगा, उससे आप दोनों के पति पत्नी के बीच में अगर किसी तरह की दिक्कत आने वाली होगी वो सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएगी। ठीक है, तो आप भी करिएगा और अपने दोस्त यार रिश्तेदार को भी इसको फॉरवर्ड जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अब आज के कार्यक्रम की, आयुष्मान भव की। सबसे पहले आपकी शिक्षा, पढ़ाई के मामले में किसी तरह की दिक्कत इस वर्ष नहीं आएगी। शिक्षा में आई बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें, रुकावटें दूर हो जाएंगी। शिक्षा क्षेत्र के लिए आपके लिए थोड़ा सा सावधान रहना होगा अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। जून जुलाई बहुत कुछ सकारात्मक करेगा, जून जुलाई किसी तरह की दिक्कत नहीं पैदा करेगा, लेकिन अगस्त सितंबर स्वास्थ्य को लेकर के कुछ दिक्कत हो सकती है। अक्टूबर नवंबर फिर ठीक हो जाएगा, दिसंबर जनवरी में कहीं बाहर एडमिशन के लिए आप विचार कर सकते हैं, फरवरी और मार्च टीचर्स बहुत प्रसन्न रहेंगे, रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएगा, बोर्ड का एग्जाम देंगे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए दिनांक 19 अप्रैल को पैदा हुए लोगों के लिए बिजनेस के कई अवसर खुलेंगे। व्यापार में अगर आप लोहे का व्यापार करते हैं, कपड़े का करते हैं, पेट्रोलियम, कोयला, बिल्डिंग मटेरियल, लैंड्स, कंस्ट्रक्शन आदि के शनि के काम में हैं तो आपके लिए कुछ बहुत बड़ा और यूनिक मई जून में होने जा रहा है। अगस्त से नवंबर तक का समय थोड़ा सा टफ रहेगा, पैसा कहीं फंस सकता है। जिस पर आप पर कुछ न कुछ दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है, आपको किसी और तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कुछ परेशानियां इस प्रकार की आएंगी बिजनेस के मामले में कि आपका अपना ही कोई सगा संबंधी धोखा दे सकता है, उस पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। प्राइवेट सेक्टर, नई नौकरी के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अगर मई से लेकर अगस्त तक में नौकरी छूटती है तो 2-3 महीना नहीं मिलेगी, बड़ी मुश्किलें आएंगी आपको, बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें आएंगी आपको, बहुत सोच समझ करके आपको फैसला लेना होगा इन मुश्किलात से बाहर निकलने के लिए। आप पर किसी न किसी रूप में कोई आरोप प्रत्यारोप भी आ सकता है, विचार करके देखिएगा। प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है कि नौकरी किसी की वजह से जाए, बॉस के साथ तुतुमा में विवाद, सैलरी कम होना, डिमोशन होना, ये सारी संभावनाएं बनती हैं। इन सारी समस्याओं से आपको जूझना पड़ेगा। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए समय अनुकूल रहेगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ न कुछ विशेष अवसरों की प्राप्ति होगी, गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ विशेष प्रमोशंस के योग बनेंगे जहां पर आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप पर ही भरोसा है और आप पर ही किसी न किसी रूप में सकारात्मक ऊर्जा भी चलेगी। बॉस प्रसन्न रहेंगे, बड़े अवसर मिलेंगे, जुलाई अगस्त में मकान वगैरह की भी संभावना बन रही है। अक्टूबर दिसंबर में वाहन चेंज हो सकता है, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में और अविवाहित हैं तो उसकी भी संभावनाएं, शादी की संभावनाएं भी फरवरी मार्च में बन रही हैं। दांपत्य जीवन में दिक्कत आएगी, कब कब आएगी वो नोट कर लीजिएगा, 1 जून में है, अगस्त में है और फिर मार्च अप्रैल 2021 में है। संतान को लेकर के कई तरह की विसंगतियां भी संभव हैं, बच्चों को लेकर के कुछ न कुछ परेशानी अकस्मात आएगी, आप जूझ पड़ेंगे, आपके ऊपर
बहुत तगड़ा भार पड़ेगा, आप नहीं हट सकते, आपके साथ ये होना है। लव लाइफ बेहतर रहेगा, लव लाइफ में दिक्कत नहीं, पूरे वर्ष आपको कोई समस्या विशेष नहीं आएगी सिवाय सितंबर और नवंबर के। लव लाइफ की स्थिति हर प्रकार से बहुत सकारात्मक है। शादी की चर्चा हो सकती है, विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में आंख, पेट, बैक, किडनी, लीवर, कोई सर्जरी की संभावना अक्टूबर नवंबर में। दुर्घटनाएं मई में भी हैं और जनवरी में हैं और अप्रैल में हैं। उपाय अब हम बता देते हैं आपको, प्रयोग क्या करना चाहिए आपको। प्रयोग के तौर पर काले तिल और जौ का दान गौशाला में करना है। गौशाला जहाँ पर गौ पाल दी जाती हूँ, गौशाला ना हो तो जहाँ भैंस हो वहाँ पर भी दे सकते हैं, लेकिन प्रथम प्राथमिकता गौशाला में काले तिल और जौ का दान। दो बच्चों की शिक्षा में मदद अपने द्वारा कर दीजिएगा, पिता भी कर सकते हैं आप अगर कहीं बाहर हैं या आप सक्षम नहीं हैं तो। जिनकी आज शादी की सालगिरह है उनके लिए तीन बच्चों की पढ़ाई में मदद करना है और तीन पीपल के पौधे पति पत्नी मिलकर कहीं लगाकर उसकी सेवा करें और उसको बढ़ने दें। ये प्रयोग आप सबके लिए महाकल्याणप्रद रहेगा। यह भी जान लीजिए कि आगामी 25 अप्रैल तक आप मुलाकात कर सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से 5100 में तीन कुंडली। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें। और हाँ, आज से ज्योतिष जराहट के चैनल पर एक नई सीरीज का शुभारंभ कर रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि प्रत्येक राशि और लग्न के लोगों में एक कौन सी सबसे बड़ी कमजोरी वीकनेस होती है जिसे वो चाह करके भी दूर नहीं कर सकते। आज बारी है मेष लग्न मेष राशि वालों की, देखना ना भूलिएगा ठीक 11 बजे ज्योतिष जरा हटके, हमारा नया YouTube चैनल। नमस्कार, श्री राधे।